बैंकों के हड़ताल के दूसरे दिन भी आज लेनदेन प्रभावित होने से ग्राहक खासा परेशान रहे। वहीं बोकारो और राजधानी रांची में बैंक कर्मी निजीकरण और पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर आज भी हड़ताल पर रहे, जिससे वित्तीय लेनदेन प्रभावित रहा। देशव्यापी बैंकों के हड़ताल के दूसरे दिन भी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे, जिसके चलते बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हुईं। दरअसल बैंक हड़ताल ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन 2 दिवसीय हड़ताल किया। जिले के अधिकांश बैंकों पर ताले लटके रहे, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग व्यवस्था चालू रहने से आम लोगों को लेन देन में ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन बैंकों के हड़ताल के कारण आम लोगों की दिनचर्या पर निश्चित रूप से असर पड़ा है। ऐसे में व्यापार और अन्य वित्तीय कार्य कामकाज प्रभावित हुए हैं। बैंक कर्मियों के अनुसार केंद्र सरकार के बैंकों के निजीकरण सहित अन्य मांगों के समर्थन में देश भर में हड़ताल पूरी तरह से सफल रहा। जो है संभावित सूचना यही है कि हमारा कल का जो हड़ताल था वो हड़ताल अब तक से 100% जो कि हमारा कामयाब रहा है, और आज का हड़ताल भी हमने जिस जोरों शोर से हम लोगों ने शुरू किया है वो हमारा जो है कामयाब ही रहेगा। और आप देख रहे हैं कि हमारी संख्या जो है वो कम नहीं है, ना सिर्फ यहाँ, ये तो हमारा जोनल ऑफिस और मेन ब्रांच है बोकारो का, और भी ब्रांचेज जो है बोकारो में जितने भी बैंक के हैं, हर बैंक के बाहर आप कहीं हमारे स्टाफ को आप देखेंगे हड़ताल के साथ जो कि जुड़े हुए हैं, और वो लोग जोरों शोर से अपना जो कि है अपना प्रतिभागी दे रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया ला रहे हैं। आपकी मांगे नहीं मानती है तो क्या आगे आप लोग का? सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो जिस तरह से हम अब तक से लड़ते आए हैं, आगे भी हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी। हमारा प्रतिक्रिया यही रहेगा, हम इससे भी ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपना जोड़ लगाएं, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो मांगे जायज़ है, और जायज़ मांगे लड़के ही लेना पड़ता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ बैंक कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को पूरी तरह से परेशानी हुई। और ऐसे में केंद्र सरकार और बैंक कर्मियों के बीच अगर कोई सुलह नहीं होती है तो आने वाले दिनों में भी बैंक कर्मियों के हड़ताल के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बोकारो से मुखर संवाद के लिए शशिकांत की रिपोर्ट। उस्ताद आफत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से? अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।